वृषभ लगने वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, अवगुण क्या है, दोष क्या है, पूर्ण रूप से जानेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा सम्मानित है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ वृषभ लगने वाले व्यक्ति का स्वभाव क्या है, अवगुण क्या है, कब होगा भाग्योदय, क्या चरित्र है, क्या पर्सनैलिटी है, पूर्ण रूप से जानेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपका अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। वृषभ लग्न लग्नों की संख्या के दूसरे नंबर की लग्न कहलाती है। इसके लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र की दो लग्न होती है, वृषभ लग्न और तुला लग्न। इनके पास ब्रांडेड चीजें, लग्जरी ब्रांड, अच्छी चीजें, अच्छा मकान, अच्छी बीवी, अच्छी गाड़ी, ये सारी चीजें इन लोगों के पास कूट कूट के भरी होती है। तो शुरू करते हैं। ये व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं। ऐसे व्यक्ति चलायमान होते हैं, एक जगह पे टिक के नहीं रह पाते। आप इनसे बात भी कर रहे हो तो ये इधर खुजाएंगे, कहीं उधर खुजाएंगे, इधर से उधर होते रहेंगे, कहीं मच्छर मार रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, पर शांति से बैठ के आपसे बात नहीं करेंगे। इधर उधर कहीं करते रहेंगे, अपना फोन चलाएंगे, कुछ तो करते रहेंगे, शांति से बैठेंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति एक जगह पे टिक के नहीं रह पाते, बदलाव करते रहते, चेंज करते रहते। हर चीज में इन्हें वैरायटी चाहिए होती, चाहे खाने में हो, चाहे काम करने में हो, चाहे लाइफ में हो, इन्हें वैरायटी, चेंज, बदलाव अवश्य रूप से चाहिए होता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर इनका कुछ बुरा किया तो उससे लड़ेंगे नहीं, उससे दूरी बना लेंगे, उसे ब्लॉक करके साइड हट लेंगे, लेकिन उससे लड़ेंगे नहीं। लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने में ये आगे रहते हैं। अगर आप वृषभ लग्न वाले व्यक्ति को अपने घर पे बुला रहे हैं गेस्ट के तौर पर या मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो पहले अपने घर की साफ सफाई करके रख लीजिएगा। कहीं भी अगर आपके घर पे जाला लगा हुआ है या कहीं से अच्छे से झाड़ू नहीं दिए और वो आ गए और उन्हें देख लिया जाला, तो अगली बार आपके घर पे नहीं आने वाले, क्योंकि भैया साफ सफाई के बहुत ज्यादा शौकीन होते, गंदगी इन्हें पसंद नहीं होती। ये कहीं खुद भी जाते हैं ना, दूध लेने भी जा रहे हैं ना, तो एकदम कंगी मंगी डीओ मियो सेंट वेंट लगा के निकलेंगे। ऐसे नहीं कि भैया सीधे उठे, मुंह धोया और निकल गए, ऐसे नहीं। भैया तैयार होंगे तभी जाएंगे। आप इनसे मिलोगे ना तो ऐसा लगेगा शुरू से कोई ब्रांडेड चीज निकल के बाहर आई है, एकदम अप टू डेट रहते हैं। जब भी आप इनसे मिलोगे, इनके कनेक्शन भी बड़े बड़े लोगों से होते हैं, उच्च अधिकारियों से होते हैं। इनके मित्र छोटे तत्व वाले नहीं होते, मतलब नीचे नीचे छोटे वाले लोग नहीं होंगे, बड़े हाई फाई इनके दोस्त होते हैं। कनेक्शन भी बड़े कनेक्शन इनके देखे जाते हैं, वीआईपी लोगों से, बड़े पॉलिटिकल, बड़े बिजनेसमैन से इनके कनेक्शन देखे जाते हैं। देखिए वृषभ लग्न वाला व्यक्ति एक बड़े परिवार का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। वहीं पर अगर वृषभ लग्न की महिला मिल जाए तो ये महिला अपने परिवार को प्रो के रखने वाली, सुजो के रखने वाली, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाली, जिस भी ससुराल में चले जाए ना ससुराल को स्वर्ग बना देती है। अगर आपके घर में वृषभ लगने की महिला बहू के रूप में है तो मैं आपके घर को प्रणाम करना चाहूंगा कि ऐसी महिला अपने घर को स्वर्ग बनाती है। परिवार के लिए हर कुछ करने को तैयार होती है, अपने परिवार को प्रो के रखती है, अपने बच्चों के लिए, अपनी सास के लिए, ससुर के लिए, अपने पति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। ज्यादातर देखा जाता है ये लोग हाउस वाइफ ही होती है, ये लोग बाहर के काम में ज्यादा नहीं। जब पति पे कोई परेशानी आती है ना तो ये पहले उठ खड़ी होती है और अपने पति का हर प्रकार से सपोर्ट करती है। ऐसी महिला अपने लाइफ में बहुत कुछ करती है और अपने परिवार को हमेशा खुश रखती है, संपन्न रखती है और अपने पुत्र से, अपने पुत्री से बहुत ज्यादा प्रेम रखती है। तो ये होते हैं वृषभ लग्न वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति लाइफ में वैरायटी, चेंज, बदलाव तो हमें अवश्य चाहिए होता है। लाइफ में बचपन से ही लाइफ में संघर्ष इनके पीछे लगा होता है, लेकिन कभी भी संघर्ष से ये पीछे नहीं हटते। अपनी लाइफ में कितना ही क्यों ना बड़ा संघर्ष हो, इस संघर्ष से बाहर निकलना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते, अगर बात स्वाभिमान पे आ जाए तो परसी हुई थाली को भी ये लात मार दे। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, देखिए शुक्र की दो लग्न होती है, वृषभ लग्न और तुला लग्न। तुला लग्न वाला थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर की थोड़ी सी डिंगे फाकने वाला, थोड़ा सा फेंकने वाला ज्यादा होता है, लेकिन वृषभ लग्न वाला व्यक्ति शांत होता है, ज्यादा फेंकेगा नहीं, जितनी बात करनी उतनी बात करेगा, मुंह पे मुंह बोल देगा, और जितनी बात करनी उतनी बात करेगा आपसे। ज्यादा ये नहीं कि भैया ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, इधर की बात उधर की, बुराई मुराई करना, ये सारी चीजें वृषभ लग्न वाले व्यक्ति के अंदर नहीं होती, लेकिन तुला लग्न वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी होती है। घुमा फिरा के बातें करते हैं। अगर तुला लग्न वाला व्यक्ति आपसे कोई चीज कह रहा है कि भैया ये लोन हो जाएगा, ये कार्य मेरा हो जाएगा, तो उसकी बात पर ज्यादा यकीन मत कीजिएगा। लेकिन वृषभ लग्न वाला व्यक्ति अगर आपको कह दे तो उस पर यकीन कर लीजिएगा। लग्न के स्वामी तो इनके एक है, लेकिन स्वभाव, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इनकी अलग है। तो ऐसे व्यक्ति लग्जरी ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, राशि ठाट बाट के साथ रहते। इनका टेस्ट भी थोड़ा सा यूनिक होता है और ये सुंदर भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे व्यक्ति देखा जाता है लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करते, बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते, ज्यादातर विदेश में इनके कनेक्शन दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी इनको परेशानी ज्यादा नहीं होती, छोटी मोटी परेशानी होती है। कभी कभी देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिखी। शुक्र की परेशानी है तो शुगर, डायबिटीज रह सकती है, नॉर्मल थोड़ी सी ज्यादा, बस इससे बड़ी परेशानी इनके स्वास्थ्य में कभी मुझे नहीं दिखाई दी है। बाकी अन्य ग्रह का जन्म कुंडली में प्रभाव रहता है तो फिर वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। तो ये होते हैं वृषभ लग्न वाले व्यक्ति, उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्वभाव। माता से, परिवार से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाले होते, परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ कार्यों की वजह से परिवार से दूर होना पड़ता है, चाहे वो
हॉस्टल में जाना पड़े, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना पड़े या विवाह के बाद जाना पड़े या फॉरेन जाना पड़े, पर परिवार से थोड़ा सा अलगाव इनका देखा जाता है, लेकिन परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, परिवार से दूर नहीं होना चाहते, परिवार के लिए समर्पित रहते हैं। इनके पास जितना कुछ रहता है जीवन से, ये उतने में ही अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने परिवार से ज्यादा कुछ लेते नहीं, और परिवार को ये देते हैं, उनसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन उनको देंगे, उनकी हर जरूरतें, उनके हर सामान को ये ला कर देंगे, उनकी जरूरतें पूरी करते जाएंगे। अपने परिवार में भाई बहन माता पिता सबको बहुत ज्यादा प्रेम रखते, पति से प्रेम रखते, सभी से प्रेम रखते, और मित्रों के सहयोग से ही ये व्यक्ति आगे बढ़ता है। मित्रों का सहयोग बहुत मिलता है, मित्रों के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके मित्र फैन फॉलोइंग ज्यादा रहती है, और फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा रहती है, लड़कियां इनकी दीवानी रहती है। अगर आप एक तो ये विषभ लग्न है, तो ये साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर ये आर्टिस्ट लाइन में है या यूट्यूब वगैरह में है या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें लोकप्रियता होती है, तो उसमें इनकी फीमेल फॉलोइंग ज्यादा देखी जाती है, लड़कियां इनकी ज्यादा, इनकी फीमेल फॉलोइंग रहती है, इनकी लड़कियां इनकी ज्यादा चाहने वाली रहती है। तो ये होते हैं विषभ लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव, मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई विषभ लग्न वाला व्यक्ति है, माता है, पिता है, दोस्त यार है, तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, उसे टैग जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828। धन्यवाद।